हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डी आर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ में एक इम्पोर्टेंट थेरेपी के बारे में बताऊंगा, जो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आप सभी ने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा कि भाई इसको CBT का ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये CBT आखिर क्या होती है, CBT क्या होती है, CBT किस तरह से काम करती है, CBT कौन कौन सी बीमारियों में हेल्पफुल है, और CBT को एग्जांपल्स के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं, कितने सेशंस होते हैं, कितने टाइम तक चलते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि CBT वास्तव में होती क्या है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि CBT होती क्या है। दोस्तों, CBT एक प्रकार की ट्रीटमेंट थेरेपी है, एक प्रकार की ट्रीटमेंट पद्धति है। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो CBT, C का मतलब कॉग्निशन होता है, B का मतलब बिहेवियर होता है, T का मतलब थेरेपी या ट्रीटमेंट पद्धति होता है। तो दोस्तों, सी कॉग्निशन का मतलब क्या है? कॉग्निशन का मतलब है हमारे सोचने समझने की क्षमता या हमारे सोचने समझने का तरीका। दोस्तों, हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं की इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है। वो इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, जैसे हम कानों से उस इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, टेस्ट करते हैं, या फिर हम स्मेल करते हैं, टच करते हैं, या प्रेशर्स के थ्रू या टेम्परेचर के थ्रू जितनी भी घटनाएं घटित होती है, उन सब घटनाओं की इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर जाती है। हमारा जो दिमाग है वो उन सभी घटनाओं को एनालाइज करता है। एनालिसिस के बाद हमारे दिमाग के अंदर थॉट्स पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं, और जो ये विचार पैदा होते हैं, इन विचारों के बाद हमारे बॉडी के अंदर इमोशंस पैदा होते हैं, फीलिंग्स पैदा होती है, भावनाएं पैदा होती है, और इन इमोशंस के आधार पर ही हमारा बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है। तो दोस्तों, जो CBT है उसके अंदर क्या होता है? दरअसल दोस्तों, हम किसी भी घटना के बारे में किस तरह से सोचते हैं, वो जो हमारा सोचना है, उस सोचने के आधार पर हमारे अंदर फीलिंग्स आती है, और फीलिंग्स के आधार पर हमारा व्यवहार होता है। अगर मान लो हमारे आसपास कोई भी घटना घटित हो रही है, और उस घटना के प्रति हमने अगर कोई नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में ले आए, तो उस नेगेटिव थॉट की वजह से जो इमोशंस आते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं, और उस नेगेटिव इमोशंस के कारण जो हमारा बिहेवियर होता है, हमारा जो व्यवहार होता है, वो भी नेगेटिव होता है। और जब व्यवहार नेगेटिव होगा तो ये व्यवहार अगेन एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करता है, और उस नेगेटिव सिचुएशन से वापस वही लूप स्टार्ट हो जाता है कि परिस्थिति नेगेटिव सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाती है, फिर नेगेटिव थॉट्स के बाद नेगेटिव इमोशंस के बाद नेगेटिव बिहेवियर, फिर नेगेटिव बिहेवियर अगेन एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करता है। तो दोस्तों, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बिहेवियर, फिर नेगेटिव सिचुएशन, इसका एक साइकिल शुरू हो जाता है, एक चक्र शुरू हो जाता है। जब तक हम इस चक्र को नहीं तोड़ते तो ये चक्र कंटिन्यूस चलता रहता है, जिसकी वजह से हमें यूँ लगता है कि हमारा जीवन जो है वो पूरा नकारात्मक हो चुका है। हर वक्त दिमाग में थॉट्स नकारात्मक आते रहते हैं, फीलिंग्स एकदम खराब सी आती रहती है, मन एकदम खराब सा रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ एकदम अजीब सा लगने लग जाता है, एकदम अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये चक्र तोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये चक्र तोड़ने के लिए जो हम पद्धति यूज़ करते हैं, जो थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, वही है हमारी CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। दरअसल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या करती है कि इवेंट के बाद जो थॉट्स है, उन थॉट्स के अंदर जिस प्रकार के हमारा जो एनालिसिस हो रहा है, एनालिसिस की वजह से जो नेगेटिव थॉट क्रिएट हो रहे हैं, उस नेगेटिव थॉट क्रिएशन का जो साइकिल है उसको ब्रेक करती है। जैसे ये साइकिल ब्रेक हो जाता है तो इवेंट के बाद हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, जब नेगेटिव थॉट नहीं आता तो नेगेटिव इमोशन नहीं आता, नेगेटिव इमोशंस नहीं आते तो नेगेटिव बिहेवियर नहीं होता, और जब नेगेटिव बिहेवियर नहीं होगा तो उससे अगेन एक नई नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी और ये चक्र टूट जाएगा। तो यही चीज़ हम CBT के अंदर करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि CBT का वास्तविक मतलब क्या है। कॉग्निशंस को बदलना ताकि उसके बाद हमारा बिहेवियर बदले, और बिहेवियर से हमारे जो भी आसपास में जो इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स के अंदर बदलाव हो, ताकि उन इवेंट्स से हमारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो राइट इन्फॉर्मेशन जाए, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जाए। तो ये है एक्चुअल में CBT का मतलब। अब हम समझते हैं कि CBT की वजह से हमें किन किन बीमारियों के अंदर हेल्प मिल सकती है, किन किन बीमारियों का इलाज है वो हम CBT के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है उनमें ऑलमोस्ट में CBT वर्क करती है। एंजाइटी के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो पैनिक डिसऑर्डर हो, चाहे वो एगोराफोबिया हो, चाहे वो इलनेस फोबिया हो, जितने भी तरह के फोबियाज होते हैं, पैनिक होते हैं, डिप्रेशन होते हैं,
या OCD हो, इन सब के अंदर CBT का बहुत अच्छा रोल है। जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं उनके अंदर तो CBT बहुत अच्छे से वर्क करती है, और इसके जो कई रिसर्च तो ऐसा बताते हैं कि इसके रिजल्ट्स मेडिसिन के इक्वल है। जो दवा के कारण जो इफेक्ट आता है हमारी बॉडी पे, उतना ही समकालीन जो इफेक्ट है, जो भी उसके इक्वल जो इफेक्ट है, वो CBT की वजह से भी आता है। तो दोस्तों, जो साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं, दिमाग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें CBT का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बहुत अच्छे तरह से CBT लेते हैं तो इन प्रॉब्लम से हम बहुत हद तक बाहर आ सकते हैं। अब समझते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से कि CBT किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों CBT के अंदर जो एलिमेंट्स है वो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला तो सिचुएशन होती है, परिस्थिति होती है। उस परिस्थिति के बाद जो आता है वो थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स के बाद इमोशंस आते हैं, उन इमोशंस के बाद बिहेवियर होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कि आपने अपने ऑफिस के अंदर पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम किया, जिसकी वजह से आप थक गए थे, और थके हुए आप ऑफिस से घर की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही आप मार्केट से गुजर रहे थे, आपके सामने से आपका एक बहुत ही निजी व्यक्ति, जो आपका बहुत अच्छा रिश्तेदार है, वो आपके सामने से गुजरा, लेकिन उसने आपको देखा नहीं, अनदेखा करके वो सीधा आपके सामने से निकल गया। अब यहाँ पे जो परिस्थिति ये बनी कि आप बाजार से जा रहे थे थके हुए घर की तरफ, और आपके सामने से आपका एक निजी व्यक्ति आपके सामने से निकला और उसने आपको देखा नहीं, ये एक सिचुएशन पैदा हुई। अब इस सिचुएशन से इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में गई, दिमाग में जाती, आपके दिमाग में कुछ इस तरह का थॉट अगर आता है कि इसने मेरी तरफ देखा नहीं, इसने तो मुझे इग्नोर कर दिया, ये तो मुझे इग्नोर करता है, ये हमेशा से ऐसा है और ये हमेशा मुझे इग्नोर कर देता है। अगर मान लो आपके दिमाग में ये थॉट आता है, तो इस थॉट के बाद जो इमोशंस आते हैं वो इमोशंस ऐसे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड फील करते हो, बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो, आपको यूँ लगता है कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है जिसकी वजह से मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी भी आपके अंदर फील होने लग जाती है, लोनलीनेस फील होने लग जाती है, अकेलापन सा फील होने लग जाता है, और आप अवसाद जैसे सिम्टम्स आपके अंदर आने लग जाते हैं। और जब आप घर जाते हो, आपका जो बिहेवियर रहता है कि आप इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, फिर आप घर वालों के साथ इंगेज नहीं हो पाते, आप चुपचाप एक जगह पे बैठे हो, ये आपका बिहेवियर। अब आप अगर वहाँ चुपचाप बैठे हो तो आपके जो आसपास वाले फैमिली मेंबर्स हैं वो यूँ सोचते हैं कि शायद ये बात करने के मूड में नहीं है, चलो इनको थोड़ी देर रेस्ट करने दिया जाए, थके हुए हैं इसलिए ये यहीं बैठे रहे। अब उन्होंने तो ये सोच के उन्होंने आपसे बात नहीं की, तो आप घर जाकर फिर आपके दिमाग में यही थॉट आता है कि देखो बाजार के अंदर जो रिश्तेदार था वो भी मुझसे बात नहीं कर रहा था, और यहाँ पर जो मेरे घर वाले हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी मुझसे बात नहीं कर रहे, तो सब लोग मुझे इग्नोर करते हैं क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मेरे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, मैं अच्छा अर्न नहीं करता, सब लोग मुझे इग्नोर करते हैं, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, सब एक जैसे ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जब थॉट आपके दिमाग में वापस, इस जो घर वालों की इग्नोरेंस जो नहीं थी लेकिन आपके दिमाग में जो थॉट चल रहा था उसकी वजह से एक नेगेटिव थॉट फिर से आपके दिमाग में क्रिएट हुआ। अब ये साइकिल धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है, मतलब आप घर पे गए, घर पे जो नेगेटिव इवेंट क्रिएट हुआ उससे फिर नेगेटिव थॉट्स, उन नेगेटिव थॉट्स से फिर आपके जो इमोशंस आएंगे वो भी और ज़्यादा नेगेटिव, और उन नेगेटिव इमोशंस की वजह से जो बिहेवियर रहेगा, आप भी घर वालों से कटे कटे से रहोगे, आप उनसे बातचीत नहीं करोगे। तो दोस्तों आप एक ऐसे चक्कर के अंदर उलझ जाते हो जिस चक्कर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक ऐसे दलदल के अंदर हम फंस जाते हैं जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी शुरुआत होती है हमारे जो एक इवेंट पैदा हुआ था कि आप बाजार से घर की तरफ आ रहे थे, थके हुए थे, और आपके सामने से आपका रिलेटिव निकला, आपका जो नज़दीकी रिश्तेदार निकला, और उस रिश्तेदार ने आपकी तरफ देखा नहीं, आपसे बात नहीं की, तो आपके दिमाग में वहां पे ये थॉट है, बिना प्रमाण के आपके दिमाग में ये थॉट आया था कि भाई उसने मुझे इग्नोर कर दिया, और ये पूरा चक्र शुरू हुआ। अब दोस्तों CBT का यहाँ पे क्या रोल है? दोस्तों इस चीज को कुछ इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता था कि अगर हम CBT की बात करें, यहाँ पे ये जो एक डिस्टॉर्टेड बिलीफ एड हो गया था कि भाई उसने मुझे इग्नोर कर दिया, उसका आपकी तरफ न देखना, आपके दिमाग में ये थॉट आना कि भाई मुझे इग्नोर कर दी, ये एक डिस्टॉर्टेड बिलीफ है, इसको करेक्ट करना जरूरी है, जो CBT के माध्यम से हम करेक्ट करते हैं। इसको कुछ इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता था कि मान लो आप अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, और आपके सामने से आपका जो रिलेटिव है वो निकला और उसने आपकी तरफ नहीं देखा, तो वहाँ आप ये भी सोच सकते थे कि भाई ये मेरे सामने से निकला है और ये किसी और चीज़ को लेके परेशान है, इसकी कोई घर की कोई चिंता है जिसकी वजह से ये परेशान है, या फिर बाजार में ये कोई चीज़ लेने जा रहा है, कोई वस्तु लेने जा रहा है, कोई सामान लेने जा रहा है जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लगातार उसी के बारे में सोचते हुए जा रहा है, इसलिए इसने मेरी तरफ देखा नहीं। ये जैसे ही आपके दिमाग में थॉट आता है, जैसे ये सिचुएशनल थॉट आता है, तो आप एकदम इस थॉट से आपके दिमाग में फिर ये नहीं आता कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, ये किसी अपनी परेशानी की वजह से बाजार जा रहा है, तो आप अभी भी अपने घर पर आराम से एकदम मस्ती से आओगे, आपके दिमाग में ये थॉट अटका हुआ नहीं रहेगा इग्नोर्ड वाला,
तो आप एकदम मस्त वाले, आपके अंदर पॉजिटिव वाले थॉट्स आएंगे और घर पर आओगे तो आपके इमोशंस भी बहुत अच्छे अच्छे फील हो रहे होंगे और आपका बिहेवियर भी यही रहेगा कि जैसे ही आप घर पर बैठोगे आप अपने घर वालों से बातचीत करोगे और बातचीत करोगे वो आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे, आपका घर वालों के साथ बातचीत स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो एक नेगेटिव इवेंट जो था वो अब नया नेगेटिव इवेंट क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पे डिफरेंस जो सीधा सा आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है हमारे थॉट्स के ऊपर, हम किस तरह से किसी भी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। अगर आपने डिस्टॉर्टेड सोचा तो उस डिस्टॉर्टेड की वजह से डिस्टॉर्टेड थॉट्स जो क्रिएट हो रहे हैं उनमें थॉट्स की चेन क्रिएट होती जाएगी। जैसे ही थॉट्स की चेन क्रिएट होगी उस थॉट्स की चेन के बाद में नेगेटिव इमोशंस आएंगे, नेगेटिव इमोशंस से हमारा बिहेवियर नेगेटिव होगा, नेगेटिव बिहेवियर अगेन कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा, ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट कर देगा जो वापस नेगेटिव थॉट पैदा करने का एक कारण बन जाएगी और एक चक्र बन जाएगा। अगर इस चक्र को तोड़ना है तो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, जो डिस्टॉर्टेड थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, उन डिस्टॉर्टेड थॉट्स को बदलना पड़ेगा। दोस्तों हमारी लाइफ के अंदर सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हमारे आसपास, इतने सारे इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के बारे में जो हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं अगर हम उन थॉट्स को करेक्ट करते जाएं, अगर हम डिस्टॉर्टेड जितने भी थॉट्स हैं उन सब थॉट्स को करेक्ट करते जाएं तो हमारे अंदर बहुत अच्छे वाले इमोशंस आने लग जाते हैं और इन अच्छे इमोशंस से हमारा बिहेवियर भी अच्छा रहता है और हम हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ बहुत अच्छी तरह से एडजस्टेड रहते हैं। तो दोस्तों यही सीबीटी के अंदर होता है। सीबीटी के अंदर हमारे जितने भी डिस्टॉर्टेड बिलीव्स होते हैं हमारे आसपास की सराउंडिंग को लेके, खुद को लेके, हम जो अपने आप को जिस तरह के आंसर्स दे रहे हैं उन आंसर्स का दोस्तों हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे इमोशंस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो आंसर्स हम अपने आप को किस तरह से दें, कैसे हम पॉजिटिव आंसर्स दें, कैसे हम जो मल्टीफैक्टोरियल आंसर्स दें, जो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उनको इंक्लूड करते हुए आंसर दें, यही काम सीबीटी के अंदर किया जाता है। जितने भी अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस जो पॉसिबल हो सकते हैं उस सिचुएशन के, उनके बारे में सोचने की हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसके लिए हमें एक ट्रेंड जो प्रैक्टिशनर, जो एक ट्रेंड जो ट्रेनर है उसकी आवश्यकता पड़ती है जो हमारे इन थॉट्स को पहचानता है। जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर जितनी भी सिचुएशंस हम अपने आसपास जीते हैं वो उन सारी सिचुएशंस के बारे में हमसे पूछता है, बहुत सारे तरह के प्रश्न पूछता है और वो उनके अल्टरनेटिव जो एक्सप्लेनेशंस जो हमारी तरफ से आ सकते हैं उन सब के ऊपर बात करता है, उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है उनके ऊपर बात करता है। तो दोस्तों यही सीबीटी का एक्चुअल काम होता है। और भी इसके बहुत सारे परफॉर्मर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग शेड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, जो आप किसी भी आपके आसपास कोई भी अच्छा अगर ट्रेंड ट्रेनर है सीबीटी का तो उससे आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं कि किस किस तरह के मॉड्यूल्स फॉलो होते हैं। अदरवाइज मैं अपने जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उन वीडियो के अंदर मैं उन सारे मॉड्यूल्स के बारे में आपसे बातचीत करूंगा कि और क्या क्या टेक्निक्स किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं या अपने डे टू डे लाइफ में हम अपनी तरफ से भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकें कि हम भी हमारे आसपास जितनी भी सिचुएशंस होती है उन सिचुएशंस के अंदर हमारे जो डिस्टॉर्टेड बिलीव्स हैं उन डिस्टॉर्टेड बिलीव्स को करेक्ट करते हुए नॉर्मल जो थॉट्स जो आने चाहिए उस जगह पे वो थॉट्स हम ले आएं। अगर हम दोस्तों इस चीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने लग जाएं तो हम खुद ही सेल्फ थेरेपिस्ट बन सकते हैं। और एक्चुअल में सीबीटी का जो एक्चुअल एम है वो एम भी यही होता है कि हर व्यक्ति को सेल्फ थेरेपिस्ट बनाया जाए, सेल्फ थेरेपिस्ट बनाया जाए ताकि वो एक्चुअल में जो उसके आसपास जो भी रियल सिचुएशंस हो रही है उन सिचुएशंस को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करें और उन आइडेंटिफाई करके उनके अंदर अपने दिमाग के अंदर जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो थॉट्स लेके आए, डिस्टॉर्टेड थॉट्स ना लेके आए, क्लोज जो एंडेड थॉट्स हैं वो ना लेके आए, ओपन एंडेड जो थॉट्स होते हैं उन थॉट्स को लेके आए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके सेशंस कितने रिक्वायर्ड होते हैं। दोस्तों अलग अलग बीमारियों में अलग अलग सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। अगर अपन जनरली देखें तो जनरली 15 से 20 सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। जो सेशन चलता है वो 30 मिनट से लेके एक घंटे के बीच का सेशन चलता है। वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर कि प्रॉब्लम किस लेवल की है और कितने टाइम से आप उससे सफ़र कर रहे हो और आपके अंदर सजेस्टिबिलिटी कितनी है, उन चीज़ों को एक्सेप्टेंस कितनी है उन सब चीज़ों को लेके, उसके ऊपर भी सेशंस का टाइमिंग है वो डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम फॉलो करते हैं तो तकरीबन 6-8 महीने इसके सेशंस चलते हैं और हम हमारे जो थॉट प्रोसेस है उस थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे से करेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो सीबीटी है वो काफ़ी हेल्पफुल है हमारा थॉट प्रोसेस बदलने के लिए। जो नेगेटिव थॉट्स की जो चेन है उस चेन को ब्रेक करने में सीबीटी बहुत अच्छे से हेल्प करती है। तो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं, मैं और ज़्यादा एग्जांपल लेके आऊँगा आपके बीच में सीबीटी के कि आप उनसे आप बहुत अच्छा लर्न कर सकें, सीख सकें, समझ सकें, अपने जीवन में उन सारे नॉलेज को आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। इस कारण मैं बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपके बीच में लेके आऊँगा समय समय पर। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इस नेगेटिव चेन को तोड़े तो आपके आसपास कोई अच्छा प्रैक्टिशनर हो जो सीबीटी की जो ट्रेनिंग देता हो या सीबीटी के ऊपर वर्कअप करता हो आपके साथ में बैठ के, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगर आपको सीबीटी से रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, साथ ही घंटी का बटन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है कन्हैया कछावा नाम से या DRKTV नाम से आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।